पैसे दे रहे हैं। सरकारी नौकरियां 20,000 और कोई पेपर नहीं फूटता वहां पर। पंजाब में हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी, पेंशन लेते थे 5-5 लाख रुपए। हमने कहा भाई जब चुनाव आते तो हाथ जोड़कर कहते हो सेवा का मौका दो, अब सेवा का मौका दे दिया, अब कहते पेंशन दो, तो हमने उनकी पेंशन बंद कर दी और करोड़ों रुपया बचा, उससे उन नौजवानों को नौकरी मिलेगी, उन नौजवानों को तनख्वाह मिलेगी जिनको हमने नौकरी पर लगाया है 20,000। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जब हम इनके घरों पर जाते हैं नौकरी लेने के लिए या काम के लिए, भाई साहब नेताओं के घरों के सामने जाते हैं दरवाजा खुल जाता है? नहीं ना, दरवाजा नहीं खुलता। चाय पानी की बात को छोड़ दो, दरवाजा भी नहीं खुलता। और दरवाजे के साथ में एक विंडो बनी होती है छोटी सी, उस विंडो को खोल के पीए बोल देता है नेताजी का पीए, साहब है नहीं बुधवार को आना। लव इन गुजरात वालों, बदला लेने का टाइम आ गया है। अब जी आपके घरों का दरवाजा खटखटाएंगे, दरवाजा मत खोलना, अंदर से ही बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद मिलेंगे, इलेक्शन के बाद मिलेंगे। इनको भी पता चलना चाहिए किसी दर से खाली वापस जाने का दर्द क्या होता है। मैं खेड ब्रह्मा गया, मैं जेतपुर गया, मैं अहबा गया, मैं नवसारी गया, मैं सारा गुजरात में घूम रहा हूं। लोग बस एक ही बात कहते हैं, इनसे हमारा पीछा छुड़वा दो। और हम भी एक ही बात कहते हैं, ये काम हमारा नहीं है, तुम्हारा है। इनके पास माल बहुत है लूटा हुआ, हमारे पास पैसे नहीं है। इनके पास माल है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। ये आपके घरों में आएंगे अब माल लेकर। मेरी हाथ जोड़ के विनती, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मना मत करना, लक्ष्मी आए तो अच्छा होता है। बस पकड़ कर नोट, इनको बोल देना हाँ। और 1 तारीख को बूथ पर जाकर जादू वाला बटन दबाकर कर देना कि जो जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकी को समझ गया जी। अरविंद जी इनका नाम भी अरविंद है, देखो तो हमारे तो आम घरों के बेटे बेटियों को टिकटें मिलती हैं, चेयरमैन नहीं बनती हैं। पंजाब में 117 सीटें हैं, 92 सीटें आम आदमी पार्टी को आई, 92 में से 82 पहली बार जीते हुए विधायक हैं बेटे बेटियां पहली बार। और भाजपा की कितनी सीटें हैं पंजाब में? 100 मोटरसाइकिल पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं, ऐसी दिल्ली में होता है इनके साथ। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में भाजपा की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कहते कमल का फूल। मैंने कहा हमारा क्या है? कहते झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? कहते कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगई नहीं दिल्ली और पंजाब। झाड़ू फेरो, झाड़ू राजनीति गंदगी निकालो, यही कह रहा हूं मैं। और 2 दिन पहले मैं भावनगर की तरफ था, ऐसी चल रही थी सभा, 4-5 युवा लड़के नारे लगाने लगे मोदी मोदी। मैंने कहा इनके लिए तालियां बजाओ जी, इनके खाते में 15-15 लाख आ गया होगा। तो कहते जी कौन सा 15 लाख, ये तो पैसे लिए थे, वोट तो आम आदमी पार्टी को डाले थे। कई दुकानदार भी हमें कहते रहते हैं दुकान में बैठे बैठे, वो अंदर से थोड़ा सकते हैं कि धंधा ना चौपट कर दे, ये गुंडागर्दी पर आते हैं। सब खा गए, कोई उन्होंने स्कूल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई
सड़क बनाई, सब खा गए। किसी नदिया के घाट पर अगर ये राष्ट्रीय नेता बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये राष्ट्रीय नेता बस जाते तो लोगों के प्यासे होंठ भी दो बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो इनसे पीछा छुड़वाओ भाई साहब। पहले क्या होता था, 27 साल हो गए, क्या होता था गुजरात में, नेता जीत जाते थे, जनता हार जाती थी। इस बार का उल्टा होगा। 8 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी, गुजरात की 6.5 करोड़ जनता जीतेगी, नेता हारेगी। मुफ्त पढ़ाई मिलेगी और ऐसी पढ़ाई मिलेगी, पढ़ के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, नीट क्लियर करोगे, अपने घर की गरीबी खत्म कर दोगे। मुफ्त इलाज मिलेगा, बिजली मुफ्त मिलेगी, महिलाओं को 1000-1000 रुपया महीना, हर घर में 18 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं 1000-1000 रुपया सम्मान राशि मिलेगी। भाई साहब घर तो महिलाएं चलाती हैं, बेटी आ जाए अपने ससुराल से तो बच्चों को कुछ गिफ्ट देना होता है, कुछ शगन देना होता है, अपने बेटे की या अपने पति की तरफ देखना पड़ता है। अब अगर 1000-1000 हो जाएगा उसके पास तो फट से वो अपने नाता नाती को 500 रुपया 1000 रुपये की शगन देगा। क्या इस पे क्या जाता है? वो कह रहे हैं बीजेपी वाले, भाजपा वाले, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल बिजली मुफ्त कर रहा है, फ्री की रेवड़ी। केजरीवाल शिक्षा मुफ्त कर रहा है, फ्री की रेवड़ी। मैंने कहा अच्छा, हमारे वाली तो रेवड़ी लगती है जो लोगों को देते हैं। ये 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? आ गए 15 लाख। अरे 15 लाख की छोड़ो, जो हमारे घरों में 2000-4000 रुपये पड़े थे इमरजेंसी के लिए, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए। तो इनसे पीछा छुड़वाओ। 3 नंबर पर बटन है मशीन में, 3रे नंबर पर बटन है, नंबर 3 दबाना है और नंबर 1 पर आना है। हर रोज मैं सोचता हूँ इसका रिकॉर्ड तो क्या टूटेगा, लेकिन हर रोज गुजरात वाले अपना रिकॉर्ड ही खुद तोड़ देते हैं। तो 2 नारे लगाऊंगा क्योंकि यहाँ भाजपा वाले भी खड़े होंगे, मैं 8 देख के बता देता हूँ वो क्यों खड़े हैं। उन्होंने अपने आकाओं को बताना है कि क्या माहौल था वहां बस स्टैंड के पास, कैसा चल रहा था वहां चौक में, नारे कितनी जोर से लग रहे थे। फिर वो उनको बताना है कि सर इतनी जोर से लग रहे थे हम तो गए बस। तो बजाय इसके के वो बताएं क्यों ना इतनी ऊंची नारा लगाया जाए कि सीधा उन्हीं के कान में जाए जो पूछने के लिए जहां बंदे भेजते हैं, दोनों हाथों को उठाकर इनकलाब। अरे पहाड़ों तक गूंजे आवाज यार, अपनी आवाज, हम खेती करने वाले हैं, किसान के बेटे हैं, आवाज निकालो, इनकलाब इनकलाब। भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। और एक और बात कहना चाहता हूँ, केसा कानून लागू करेंगे, उसका शेड्यूल 5 जो है वो लागू करेंगे, क्योंकि जंगल जमीन और जल पर आपका अधिकार है। आपको पूछे बिना कैसे जंगल काट सकते हैं वो, आपको पूछे बिना कैसे पहाड़ बेच सकते हैं वो, तो आपका अधिकार है। बिरसा मुंडा जैसे बहुत बड़े बड़े फाइटर ने लड़के लड़ाइयां लड़के आपको लेके दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, मेरी यही दुआ है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। पंजाब ना लोक लाडीला मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी अपनी बच्चे पधारी चुकिया थे। आई से